फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगर आप क्लास 10th में, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी के, हिंदी का कौन सा फर्स्ट चैप्टर है, हिंदी का अनिवार्य संस्कृत उसके अंतर्गत जो है, उसके बाद उसका अध्याय जो एक है वाराणसी, तो इसी का मैं आज आपको सारे प्रश्न तथा इसके उत्तर बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से आप अंत तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको तो पता ही होगा अगर आप क्लास 10th में, तो क्योंकि ये क्लास 10th का ही मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th का है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है। आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, वाराणसी नगरी कश्याम नद्दा कूले स्थित, वाराणसी नगरी कश्याम नद्दा कूले स्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थित अस्ति, वाराणसी नगरी गंगाया नद्दा कूले स्थित अस्ति। अब इसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है। देखिए हमारा सेकंड है वाराणसी कस्याम भाषाया केंद्रम अस्ति, मतलब वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, तो देखिए इसका हो जाएगा वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। तो देखिए ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ पर मरना मंगलकारी होता है। अगर आप वाराणसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तो इसके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। देखिए कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसका हो जाएगा उत्तर वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, मतलब वाराणसी में मरने से हमें सुख, या फिर कहिए कि वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। तो देखिए यहाँ पर तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको और भी चाहिए इसकी वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मतलब अध्याय एक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं दो बताऊँगा, अध्याय तीन, अध्याय चार, अध्याय पाँच, ऐसे ही आपके सारे अध्याय, सारे पाठ आपके खत्म होते जाएंगे क्लास 10th के। मैं सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर कवर करवा रहा हूँ। तो देखिए उसके बाद है वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धा अस्ति, वाराणसी विद्या के लिए, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए वाराणसी विद्या के लिए दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ, मतलब ये शिल्पार्थ मतलब पत्थरों की जो कलाएँ हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है वाराणस्याम कति विश्वविद्यालया सन्ति, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालया सन्ति, मतलब वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालया सन्ति, वाराणसी में तीन विश्वविद्यालय हैं। तो इतने क्वेश्चन कंप्लीट, आइए और भी आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो देखिए ये है दारा सिकोहा कस्याम भाषायाम उपनिषद उपनिषदाम अनुवादम अकरोत, देखिए अकार्यत है, दारा सिकोह कस्याम भाषा, दारा सिकोह ने किस भाषा में अनुवाद किया था, देखिए जो उपनिषद था, तो देखिए दारा सिकोहा उपनिषदम अनुवादः पारसी भाषायाम करित, फारसी नहीं पारसी भाषायाम करिता। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है वाराणस्याम कानि वास्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति, तो देखिए वाराणसी किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, वाराणस्याम कला शिल्प कोशे साटिकाम च प्रसिद्धानि सन्ति। उसके बाद देखिए और है क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ यही सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूं, और भी जो आपको लेसन में बताऊंगा, मतलब अभी जो पार्ट दो बताऊंगा उसमें भी, पार्ट तीन में, पार्ट चार में, तो वही सब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% वही आएगा। देखिए यहाँ पर वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्थि, वाराणसी गंगाया नद्दा कूले स्थिता अस्थि। उसके बाद देखिए एक लास्ट है वैदेशिका पर्यटक कस्याम शोभायम अवलोकस्य वाराणसी प्रशंसात, देखिए गंगा घाटनाम शोभाम अवलोकस्य वैदिका वैदेशिका पर्यटक वाराणसी बहु प्रशंसत। अगर मैं फ्रेंड्स थोड़ा भी उच्चारण गलत हो रहा है तब भी आप देखिए मैंने लिखा है उसको आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका ये पार्ट एक खत्म, अब पार्ट दो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।